2016 में मेरी शादी हुई थी मेरे बाबा जो है वो मैं खैर बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हुई लेकिन मुझे ये याद है कि मैं टू क्लास में थी और तकरीबन कोई सात साल की होंगी शादीशुदा लाइफ में सपोर्ट करने के बाद जो मेरे हस्बैंड का है मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे जो है वो ट्रीट किया मुझे खाना पकाना नहीं आता था लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना पकाना सीखा लेकिन शादी हुई इस बेस पे थी कि आप मुझे आगे पढ़ने देंगे या अब जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिली तो मुझे उनसे मिलके कुछ अच्छा नहीं लगा नहीं। मैंने कहा ये तो मूवीज बनाते हैं ये तो ड्रामास बनाते हैं तो ये कैसे मतलब इतने अच्छे हो सकते हैं पंद्रह साल का ये डिफरेंस <laughs> है मेरा और मेरे हस्बैंड का

जे एस ह्यूमन बिहेवियर्स जो है वो डील करती हूँ सोशल साइकोलॉजी पर बात करती हूँ तो मैं तमाम तर जो है वो रिश्तों के हवाले से बड़ा कॉन्शियस भी हूँ और अपनी लाइफ में बहुत केयरफुल भी हूँ और दो हज़ार सोलह में मेरी शादी हुई थी और शादी जो है वो मेरी लव मैरिज थी अरे मेरे हस्बैंड की तरफ से और ये क्या होता है मैं बता दूँ असल में बच्ची थी मैं छोटी थी पढ़ाई कर रही थी अभी स्टडीज़ कर रही थी और काफ़ी हद तक मेरे जो है वो एमएस तो खैर कंप्लीट हो चुकी थी एम एस सी तो मैंने कर ली थी लेकिन उसके बाद की सारी तालीम जो है, मैंने शादी के बाद हासिल की है तो फिर मैं जो है वो बच्चा भी है माशा मेरा पाँच साल का एक बेटा है और शादीशुदा लाइफ मेरी बहुत अच्छी गुजरी शुरू के दिनों में क्योंकि ज़ाहिर है उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी समझदार नहीं थी और आपको इतनी समझ नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने वो फहमो फ़रासत से नवाजा हुआ था कि माँ की तरबियत साथ थी माँ को देखा था कि वो अपने घर को कैसे सलीके तरीके से रखती हैं अपनी अम्मी को देखा था कि वो कितना कम बोलती हैं और कितना शाइतगी के साथ उनकी जो है वो मामला हैं अपने जो है वो हस्बैंड के साथ मेरे मेरे वाले साहब के साथ उनका ताल्लुक जो है वो कैसा, कैसा रहा? रहा बड़ा वो जो है वो उनके शाना बशाना चलती थी और मेरे वाले साहब के जो है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा बड़ा क्राइसिस का टाइम था हम बहुत छोटे थे तो वो उन्होंने जिस तरीके से गुजारा और उनका साथ दिया तो मेरे बाबा जो है वो मैं खैर बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हुई लेकिन मुझे ये याद है कि मैं टू क्लास में थी और तकरीबन कोई सात साल की होंगी और सात साल का बच्चा जो है वो अच्छा खासा समझदार होता है उसको समझ होती है सारी बातों की तो वो हमेशा ये कहते थे कि तुम्हारी माँ जैसी माँ जो है ना वो दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि वो बड़ी तारीफ़ करते थे और मेरे वाल साहब भी दुनिया के इंतई ख़ूबसूरत तरीन और ज़हन तरीन इंसानों में से एक और उन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की और लोगों की खिदमत का ये हाल था कि अगर रात के तीन बजे भी कोई दरवाज़े पे आता था ना तो उसको अगर कोई पुलिस का मसला है किसी चीज़ का मसला है तो वो उसके लिए खड़े हो जाते थे शायद ये चीज़ मुझ में वहाँ से आई कि खदमत खल का जज्बा लेकर भी मैं आ, जो है वो काम कर रही हूँ अलहमदिल्ला एज़ आ सोशल एक्टिविस्ट भी तो वालदा की तरबियत के बाद जो है वो सबसे बड़ा हाथ मेरी ज़िंदगी में मुझे खुश करने में और मुझे जो है वो शादीशुदा लाइफ में सपोर्ट करने के बाद जो है मेरे हस्बेंड का है मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे जो है वो ट्रीट किया उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ से बात नहीं की ना मैंने कभी की और हमेशा मेरे और उनके दरमियान में जब जुमलों का तबादला हुआ तो उसमें तुम नहीं था तू भी नहीं था, भी नहीं था। आप था। वो रिस्पेक्ट वो रिस्पेक्ट जो थी एक्जेक्टली वो exactly. वो मतलब मैंने कभी अपने घर में जो है वो अपने शोहर की जुबान से ये नहीं सुना कि नबीया तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो नबीया अगर आप जो है वो फ्री हैं तो मुझे एक गिलास पानी चाहिए पिला दो का लफ्ज़ भी नहीं कहा और अगर वो कोशिश करते थे कि वो खुद अपने काम कर लें लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी कि वो मुझे कहें और मुझे उनके कहने से पहले पता होता था कि इन्हें क्या चाहिए और उन्हें ये समझ नहीं आती थी कि इसको तो कैसे पता कैसे चल जाता है कि मुझे क्या, क्या, क्या चाहिए क्योंकि मेरा फोकस अपने शोहर पर था और मैं ये समझती थी कि मेरे शहर को मुझसे खुश होना चाहिए तो अगर इनको खुश होना चाहिए तो फिर इनकी खुशी के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ मुझे खाना पकाना नहीं आता था लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना पकाना सीखा मुझे ससुराल के मामला मैं चिकन कढ़ाई और बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ अच्छा। <laughs> शामी कबाब भी बना लेती हूँ तो आज मेरे बच्चे को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है वो कहता है कि मैं जब भी मेरी ऑफ होती है या वैसे मैं वैसे भी सुबह मैं डेली अपनी मम्मा को नाश्ता अपने हाथों से करवाती हूँ उनका और मेरा नाश्ता जो है वो मैं खुद बनाती हूँ चाय अगर घर में बनती है तो वो भी मैं खुद बनाती हूँ जब मैं अपने काम से फ्री होकर घर जाती हूँ तो मेरी मैं चाय भी खुद बनाती हूँ मतलब मैं घर के काम भी करती हूँ सफाई सुथराई भी कर लेती हूँ अगर काम वाली नहीं आती तो मुझे इसमें कोई नहीं है मैंने हर चीज जो है वो सीखी अपने शोहर की के लिए। के इनको ये ना लगे की मैं एक मीडिया के बाद की।, की जी बिल्कुल अच्छा, शादी हुई इस बेस पे थी कि आप मुझे आगे पढ़ने और मैं पढ़ूंगी लड़कियां तो तो कहती हैं कि शादी <laughs> जान छोटे पढ़ाई तो तुझे कहने मैं कि बड़ी पढ़ाकू पढ़ सी नहीं बच्ची नहीं। थी हमेशा मैंने मैट्रिक में भी टॉप किया मैंने आगे भी एफ एस सी में भी और जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी में जो बी एस सी की उसमें भी टॉप किया तो बड़ी टॉपर थी अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी आज भी मेरी तस्वीरें मेरे स्कूल मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगी हुई हैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तीन गोल्ड मेडल हैं मेरे पास तीन हज़ार से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं जिनको आप उनको आप कैसे कैसे हो गई? वो आप वन <laughs> ये भी आप वन साइड साइड लगता ये ड्रामा असल में ऐसे हुआ कि मुझे उन दिनों जो है वो मीडिया में काम करने के लिए मैं नई नई आई थी तो मुझे कोई स्पेस जो है वो ऐसे ऐसी नहीं पता थी मैं लोगों को नहीं जानती थी तो अचानक मैंफ एम हंड्रेड पर मैं प्रोग्राम करती थी और वहाँ से जो है वो जो हमारे स्टेशन मैनेजर थे उन्होंने मुझे जो है वो उनके साथ अच्छा, कॉन्टेक्ट अच्छा। करवाया कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और मीडिया में ना बहुत कम अच्छे लोग हैं तो नबीहा आप एक अच्छी फैमिली से हैं मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी ऐसा मिसहैप हो हाँ। या कोई मस, मसला हाँ। हो तो आपने ना सिर्फ इनके साथ इन टच रहना है हाँ। अब उन्होंने मैंने कहा जी ठीक है अब जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिली तो मुझे उनसे मिलके कुछ अच्छा नहीं लगा नहीं। मैंने कहा ये तो मूवीज़ बनाते हैं ये तो ड्रामास बनाते हैं तो ये कैसे मतलब इतने अच्छे हो सकते हैं मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था तो फिर जब आहिस्त आहिस्ता मेरी उनसे जो है वो बातचीत शुरू हुई पहले दिन तो मैं ये तहैया करके उनके ऑफिस से निकली थी कि मैंने अब दोबारा कभी यहाँ नहीं आना अच्छा मैं बहुत ज़्यादा टच बची थी छोटी ही थी तो बहुत समझदार थी बैड टच गुड टच के हवाले से मुझे बड़ा पता था हमारी वालदा ने हमें बड़ा इसकी ट्रेनिंग उस वक्त ही दे दी थी और कोई किसी बंदे के पास मैं नहीं बैठती थी कोई मुझे जो है वो फेस पे आज तक किसी छोटे बच्चे जब मैं थी तब भी कोई अंकल या बड़े बंदे जो है वो मुझे गोद में बिठा के प्यार कर रहे हो नो नोवे मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया मैं ऐसी बच्ची थी तो मैं मतलब शुरू से मेरी जो है वो ग्रोथ इस तरह की हुई फिर जब वालिद साहब की डेथ हो गई मैं ज़ाहिर टू क्लास में थी बहन भाई मेरे बहुत छोटे थे सबसे आ, जो छोटा भाई है वो मेरा दो साल का था सिर्फ उसको तो याद भी नहीं फ़ादर तो वो फिर मेरी अम्मी ने जो है वो और मेरी अम्मी नकब करती थी आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा वो कभी ना मीडिया के सामने आई खान फैमिली और फिर मेरी अम्मी सैयद फैमिली से हैं तो वो फिर इस वजह से जो है दोनों ही फैमिलीज़ में इतना टफ था कि आप स्क्रीन पर नहीं आ सकते थे आज भी मेरी फैमिली वाले जो शुरू शुरू में मुझे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शल किया गया कि देखे जी ये टी वी जा रही है लेकिन उन्हें पता था कि ज़ाहिर इसने अपने घर को जो है वो सपोर्ट करना है जब उन्होंने देखा कि ये बड़ी इज्जत से काम कर रही है रिस्पेक्ट से काम कर रही है बच्ची जो है वो कोई किसी किस्म की हमें कोई शिकायत नहीं आ रही कोई मामला ऐसा नहीं है तो उन्होंने मुझे काम करने दिया और मुझे सपोर्ट किया मेरे ख़ानदान वालों ने मेरी खाला एक चीज़ आती है कि एज डिफरेंस कितना है तो अब के ये भी बिल्कुल हो ही है कह हैं। तो वो 15 साल का डिफरेंस है मेरा और मेरे हस्बैंड का अच्छा, पंद्रह साल का।, का जी वो मुझसे बड़े थे वो समझदार थे मैं कहती हूँ मर्द को समझदार होना चाहिए और लड़की की उम्र जो है वो कम होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ये, चाहिए। ये जो एक कम्पेटेबिलिटी है ना ये बड़ी खूबसूरत है समझदार समझदार तो देखिए तरबियत होती है मर्द तरबियत तरबियत बस ये तरबियत माँ ने करनी है और माँ को पता होना चाहिए कि उसने अपने बेटे को जो है वो कैसे तरबियत देनी मैं हमेशा यही कहता हूँ बाप दोनों ने करनी है बाप का भी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लेकिन क्योंकि माँ के साथ बच्चे ज़्यादा जो है वो अटैच होते हैं घर में ज़्यादा टाइम जो है माँ के साथ गुजारते हैं माँ की तरबियत का असर इसलिए होता है कि नौ महीने जो माँ बच्चे को अपने पेट में रख के पालती है उसको देखती है उसकी इमोशंस जो बच्चे के साथ जुड़ती हैं वो बड़ी काउंट करती हैं कहते हैं कि नौ महीने अगर औरत जो है वो खुशी से बच्चा पैदा करेगी तो वो बच्चा जो है वो उसी तरह का खुशी देने वाला जो है वो पैदा होगा और अगर आप स्ट्रेसफुल हा, हाँ स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारेंगे टेंशन और डिप्रेशन में आ जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय तो हो जाएगी बच्चा भी वैसा ही से ही अपना अपनी लाइफ बच्चों में सांस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं फेफड़ों के इशूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं फिर बच्चे जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते कुछ बच्चे जो है वो आप देखें बहुत सी अजीब डिफरेंट डिफरेंट प्रेगनेंसीज अब तो जो है वो आ गई हैं जदी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से मामला खराब भी हुए हैं फिर बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना चेक करना ये सब चीज़ें भी जो है वो रेजे ज़ाहिर इफेक्ट करती हैं ह्यूमन जो है बॉडी पर तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखनी है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है ना जब औरत रोती है ना जब उसके उसके शोहर के साथ लड़ाई होती है वो प्रेग्नेंट है और वो रो रही है तो वो बच्चा जो उसके पेट में है जो बच्चा उसके साथ जो है वो जी रहा है सबसे ज़्यादा जो वो अंदर सुकड़ जाता है बेबी जब वो रोती है तो वो सिसकियों के साथ रोती है और उसमें आपके जो पेट है और आपकी ये सारी अंतड़ियाँ हैं वो खिंचती हैं और जैसे ही वो बच्चा जो है वो आ, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल चिपक जाता है या जो है वो उस उसको फील हो रहा होता है कि मेरी माँ जो है वो किसी तकलीफ़ या अजियत में है जकड़ा जाता, जिकड़ा वो जाता वो है, है तो वो चीज़ें उसके दिमाग की कैपेसिटी कम होनी शुरू होती है ऑक्सीजन उसको कम कम मिलती है जैसे ही आप रोते हैं और अगर खासतौर पर औरत जो प्रेगनेंट है उसकी ऑक्सीजन जो है वो बच्चे को कम मिलनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो आप सारा का सारा जो है अपना फ़्रस्ट्रेशन डिप्रेशन जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं वो सारा डिप्रेशन जो है वो आपके बच्चे में कन्वर्ट हो रहा है इसीलिए ये 2000 के बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं रिसर्च साबित करती है कि वो जहनी तौर पे और जिसमानी तौर पर जो है वो मजबूत नहीं हैं इवन कि आप देख ले कि हमारी कैसी नौजवान नस्ल आ गई है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है यू यो, यो, यो पर्सनैलिटीज़ हैं ये क्या पर्सनैलिटी ये क्या है यू यो, यो पर्सनैलिटी मैंने इस पर जो है वो एक अपना वी किया था और उस पर जो है वो काफ़ी लोगों ने कहा जी कि ये क्या होता है ये ये होता है कि जब आपको सही और गलत का अंदाज़ा ना हो तो आप उसे मॉडर्नाइज़ करने के लिए या लीड क्लास में जो है वो सर्वाइव करने के लिए आप कहते हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो लीड क्लास से ताल्लुक़ है उसका वो यू यो पर्सनैलिटी है ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है आपने इसका ये डिसऑर्डर है कि जिसमें आपका बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है उसको उसके पास रास्ता नहीं कि वो क्या करे उसके पास तालीम हासिल करने का जो है वो आपने उसको ज़रिया तो दे दिया लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने उस दायरे से नहीं निकलने दिया बाप आपका बड़ा अमल दखल है माँ बाप की साइकोलॉजी बच्चों की साइकोलॉजी के साथ बहुत मैच करती है जिस तरह माँ जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो अपना नौ महीने करती है और अगर वो खुश है तो बच्चा भी जाहिर है कि अच्छा सेहतमंद होगा अगर वो खुश नहीं है उसकी डाइट अच्छी नहीं है तो बच्चा भी उसी तरीके का जो है माशरे में आप जो है वो लेकर आ रहे हैं बच्चे पैदा करना ये मैटर नहीं है बच्चों को अच्छी तरबियत देना ये मैटर करता है हमारे पाकिस्तान की औरतों को जब ये बात समझ आ जाएगी ना मियाँ से लड़ती हैं और लड़ने के बाद जो है वो फिर जब सुलह होती है तो फिर एक नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है अब ये जो रूठने और मनाने का चक्कर है इसमें उस जान का क्या कसूर है जिसको आप इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं? आप अरे। ये तो सोचो कि आप कर क्या रहे हो आप ये तो सोचो कि अगर आपके बच्चे पहले से तीन चार चार बच्चे हैं पाँच पाँच छः छः बच्चे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों के आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें और लोगों को देखें वो अपनी जो है वो लाइफ के मुताबिक चादर को देख के पाँव फैलाते हैं okay. उन्होंने इस्लाम को फॉलो okay. किया इस्लाम कह रहा है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करो इस्लाम कह रहा है कि चादर को देख के पाँव फैलाओ इस्लाम कह रहा है कनात नाशारी करें आप जो है वो जितना ख़र्च करते हैं उससे अपना हाथ जो है वो थोड़ा हल्का रखें और इस्लाम ने ही कह दिया कि अपने से कमतर को देखें अपने से बरतर को ना देखें।, ना देखें अच्छा ये सब कुछ हमने नहीं सीखा हमने क्या सीखा कि फ़लाँ क्या कर रहा है उसके घर में अगर ये चीज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है तो मेरे घर में क्यों नहीं आ रही, रही? बीवियाँ शोरों से लड़ती इसलिए कि फ़लाँ आपके दोस्त के पास ये है आपके पास नहीं है उसने तो अब तक ये ले लिया आपने यहाँ पर रह भी कुछ नहीं बनाया ये जो एक जुमला है ना ये उस मर्द के लिए तीर की तरह उसको घुस के लगता है